अगरचे ईदगाह योगेश्वर ही करके है बोलेंगे तो उसके बदले में दूसरी जमीन दिए है ना, अगरचे योगेश्वर गलत किया है बोल के बोलेंगे तो 10 साल से हुकूमत में और इधर के एमएलए बनकर विजय कुमार स्वामी की वाइफ बने हुए थे, क्यों नहीं उसका एक पिटीशन डाले, क्यों नहीं कम्युनिटी को लेकर देने की बात की। और हमारी कौम खासकर गद्दार नहीं है, जिसका खाते हैं उनके साथ वफादारी और ईमानदारी पूरी निभाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि भाई इलेक्शन के टाइम पर मुसलमानों को बदनाम करकर, मुसलमानों को नीचा दिखाकर आप उनकी बिरादरी से वोट हासिल करने के लिए। बताइए, चनपटना में आए हैं, चनपटना की एक अलग ही किस्म की सियासत चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है और कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। और जिस जिस जगह भी हम लोग जा रहे हैं तो उधर से मेरी माँ और बहनें सिर्फ यही बोल रहे हैं कि भैया आप लोग जाइए बाहर के दूसरे इलाकों में जाके कैंप कीजिए और उधर गए ये करवाइए, कैनवास कीजिए, इधर कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरे के पूरे कांग्रेस के साथ हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि भाई इलेक्ट्रिक का जब हर महीना बिल बनने का वक्त आता था तो उस टाइम पे हम लोगों को एक दिन दो दिन लेट भी हो जाता तो कट कर देते, तो लोगों को समझ में आ जाता कि पता चल जाता कि भाई हमारे घर में पैसा नहीं है, हमारी गरीबी उनको महसूस मालूम हो जाती, तो ये इससे हम लोग बहुत शर्मिंदा होते थे। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि भाई बच्चा अगर रोता है तो उसके बाप के पैसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और कोई चिल्लर दुकान के अंदर जाकर कर्जा लाना पड़ता था दूध, अब उसकी भी नौबत नहीं आती, 2000 रुपये हर महीना घर में मिलते हैं पैसे हर महीने के, हम लोग दूध का भी इंतजाम कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, कुछ 40-50 लीडर्स उनको इज्जत नहीं मिलने की वजह से या उनको नहीं बुलाने की वजह से या फिर कोई पार्टी से नाराज होकर उन लोगों ने जाकर है, और 50-40-50 लोगों का कोई आप ये मत करो, वो भी आ जाएंगे वक्त पड़ने पर। क्योंकि जब वक्त आया था, जब पूरे कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा मुसीबत हमारे मंड्या जिले के अंदर ही आई थी, जो झटका का हो या नकाब का हो हर चीज, तब हर कोई आवाज नहीं उठाया, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए खड़ी हुई थी। और डीके शिवकुमार साहब भी मुसलमानों ने ब्रदर्स होकर को बोले थे और सिद्धरामैया साहब भी डट कर खड़े रहे, और सिद्धरामैया साहब का तो हम लोग कितना भी एहसान ना अदा करें तो कमी है, क्योंकि उनको नाम ही रख दिया गया था कि भाई ये मुसलमानों के लीडर हैं और सिद्धरामैया उल्ला जी करके बोल के भी नाम रख दिए थे, तो उसकी वजह से उसके बावजूद उन्होंने केयर नहीं किया। जब मुसलमानों को जरूरत पड़ी मुसलमानों को लीडर बन के दिखाया, जब दलित को जरूरत पड़ी दलित के लीडर बन के दिखाए, जब क्रिश्चियन को जरूरत पड़ी क्रिश्चियन के लीडर बन के दिखाए, ये हर कौम का मैं लीडर हूं बोलकर सिद्धरामैया साहब ने साबित कर दिया। और सिद्धरामैया साहब का और एक हमारे लोगों को प्लस पॉइंट क्या है, देखिए 70 पर 7 साल हो गया ये बनकर आजादी आकर, जब से उन्होंने सियासत के अंदर कदम रखा 40-40 पर 5 साल की, 7 से 8 मरतबा उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उसका तजुर्बा 7 से 8 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर बनने की वजह से जो उनके पास तजुर्बा था उसकी बदौलत आज पूरे कर्नाटक के अंदर बस फ्री घूम रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, 2000 रुपए औरतों को मिल रहे हैं और नौजवानों को 3 या 3.5 हजार रुपए ऐसा वो भी मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसा हुआ, कैसे मुमकिन, क्यों दूसरे स्टेटों पर नहीं हुआ? लेकिन उनके तजुर्बा होने की वजह से आज हमारे कौम को, हर कौम के लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। लेकिन इससे ज्यादा और क्या करना है हमारे कम्युनिटी को? भाई अगर जो कुमार स्वामी का बेटा है निखिल कुमार स्वामी आ गया तो उससे क्या क्या हासिल कर लेंगे? सिद्धरामैया को कुछ फर्क पड़ेगा? सिद्धरामैया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? वो उनका हमारी हकीकत तो पहचान लेगा। देखो इतना सब सहूलतें देने के बावजूद ये लोग हमारे साथ नहीं है। अभी वो मांग रहा है मैं आप लोगों को किया हूं, आप लोग मुझे करो बोलकर, लेकिन हम लोग जाकर हमारा सबूत नहीं देंगे वोट के अंदर, वोट देकर तो उनको दूसरे हमारे कौम के लीडर्स जाकर क्या शक्ल दिखाएंगे? वो पूछेगा ना, रे तुम्हारी कम्युनिटी के लिए इतना सब किया मैं, हर कौम के लोगों को लेकर चला, जब मैंने कर आज मैं बदले में कुछ मेरे वोट के जरिए से कांग्रेस पार्टी को जिताओ बोला तो आप लोगों के कोई आप, क्योंकि मोहल्ले में मालूम हो जाता है वोट अगर जब दूसरे कम्युनिटी को दूसरे लोगों को वोट देंगे तो माइनॉरिटी वोट इतना होने के बावजूद इतना कम परसेंटेज क्यों आया और इतने इसके अंदर इतने वोट दूसरों को कैसे गए, हमारे क्यों हमारे हमारे में काबिलियत नहीं थी क्या बोलकर वो पूछेगा, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत शर्मिंदे हो जाएंगे। और हमारी कौम खासकर गद्दार नहीं है, जिसका खाते हैं उनके साथ वफादारी और ईमानदारी पूरी निभाते हैं, समझ रहे हैं? ईडी के बाद सामने आ रही है कि
इसके बारे में क्या कहना? देखिए ईदगाह की बात, अगरचे ईदगाह योगेश्वर ही करके है बोलेंगे तो उसके बदले में दूसरी जमीन दिए है ना, अगरचे योगेश्वर गलत किया है बोल के बोलेंगे तो 10 साल से हुकूमत में और इधर के एमएलए बनकर कुमार स्वामी जी वाइफ बने हुए थे, क्यों नहीं उसका एक पिटीशन डाले, क्यों नहीं कम्युनिटी को लेकर देने की बात की? और यही काम जमीर अहमद खान साहब ने वक्फ बोर्ड का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की किसी की जमीन नहीं छीन रहे हैं, कोई किसान की जमीन नहीं छीन रहे हैं, और वैसे भी मुसलमान कौन किसी की छीनेगी? एक भाई की चीज एक स्क्वायर फीट अगर छीन लेगा उसके लिए कोर्ट बाकी कायम है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि भाई इलेक्शन के टाइम पर मुसलमानों को बदनाम कर मुसलमानों को नीचा दिखाकर आप उनकी बिरादरी से वोट हासिल करने के लिए, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और ना कोई किसान की कोई जमीन नहीं ले रहे। और अगरचे वैसा लेते तो सिद्धरामैया जी हो या कर्नाटक की इतनी आवाम हो किसानों की कोई जमीन लेता? मुसलमान कोई किसी की जमीन छीनने जैसा है? अल्लाह का करम है, मुसलमान ईमानदारी के साथ काम करता है और खासकर जमीर अहमद खान साहब पूरी कम्युनिटी के साथ, वो एक कौम के लीडर नहीं है, पूरी कम्युनिटी के साथ ऑल कम्युनिटीज के लीडर है और वो साबित करके भी दिखाए। और ये वक्फ बोर्ड का जो हमारी जमीनें हैं, देखो आज मेरे घर को मेरा चाबी नहीं डालूंगा तो और किसकी चाबी डालना? वो घर बैठ हमारे घर के अंदर घुस के अगर बैठेंगे बोलेंगे तो वो तो गलत है ना, ऐसा करने जा रहे हैं। अगरचे वो सही होता, कुमार स्वामी सेक्युलर लीडर होता तो कम से कम इसके लिए आवाज तो उठाता, वक्फ बोर्ड के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता। खैर नहीं हुआ, चलो आज उठाने दो या कल उठाने दो, नहीं जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो बिल ला के रहे मोदी जी की सरकार में, यह गलत है, मुसलमानों की जायदाद मुसलमानों की है क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, इतना तो बोल सकता है ना, ये नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? तो आप कैसा बोलोगे कि भाई वो भी एक सेक्युलर लीडर है? देखो मुद्दा उठाने के लिए कुछ ना कुछ खिचड़ी चाहिए ना, लोग बोलते ही है। अगरचे बोलने वाले हमारे हक में मुसलमानों के हक में होते, लेकिन मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ और वो 40-50 लोग जो भी लीडर्स हैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, देखिए अभी सबूत देने का वक्त आ गया है। सिद्धरामैया जी को या हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कम्युनिटी को नीचे अगर से आपको दिखाना है, हमारी कम्युनिटी को शर्मिंदा करना है और हमारी कम्युनिटी के लीडर्स को शर्मिंदा करना है तो आप लोग आपका कीमती वोट दूसरे पार्टी फिरका परस्त पार्टियों को देकर उन लोगों के हक में जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी और हमारे कौम के ऊपर जितना खा रहे हैं आप लोगों को बगैर कोई तकलीफ के इतनी सब स्कीमें 5 गारंटियों के साथ घर पे हरा रहे हैं, इससे ज्यादा कौन भी जीत कर आएगा इधर? कोई देगा क्या आपको? कोई नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं आप लोगों से आज इतना गुजारिश करता हूं, उन लीडरों से भी 40-50 लोग जो भी बाहर कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उनसे, आप लोग बराए मेहरबानी कर हमारे कौम के ऊपर इल्जाम मत डालो कि भाई गद्दार ये कौम है, इनको जितना भी करें ये इनको पैसों के अंदर बिकने वाली है बोलकर ये साबित मत करो। आप लोगों के मुफाद के लिए अगर से आप लोग जाकर हो, आपको अगर से इज्जत नहीं मिलने की वजह से जाकर है तो आपको अल्लाह बराए करम अल्लाह आपको इज्जत देने वाला है। कौम के वोट में बंटवारा मत करो, पूरे के पूरे एक साथ होकर कांग्रेस को वोट करो ताकि सिद्धरामैया के सामने हमारे पूरे लीडर सीना तान कर जाकर बात करने की हिम्मत रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।